नमस्कार, मैं नाजमा, आपका स्वागत है आपका न्यूज बीके में। आज हम है चिरगांव के संतरी डेरा पर, जहां पर चुनावी माहौल को देखते हुए लगातार प्रत्याशी जनता के बीच जाकर संपर्क कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आपको लेके चलते हैं प्रत्याशी की ओर और जानते हैं क्या है उनके चुनावी एजेंडे। क्या नाम है आपका? साजदा बेगम। साजदा जी, ये बताइए, आप महिला प्रत्याशी हैं जी, जबकि ये महिला सीट भी है जी, महिलाओं को लेकर आप क्या करेंगे? महिलाओं को लेकर उनकी जो भी परेशानियां हैं हम उनको दूर करवाएंगे। हमारे अंडर में जो भी प्रयास हैं हम उन प्रयासों को बराबर करेंगे और उनकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। और हमने घरों में देखा है महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पुरुष उनके आदमी जो हैं घर से बाहर चले जाते काम धंधा करने। घरों में हमने एक महीने से भ्रमण किया है, वहाँ ये देखा है कि कमर तक उनके दरवाजे गहरे हुए हैं, जहाँ पर आज तक ना कोई अधिकारी ना कोई नेता कोई भी नहीं पहुँचा। उनके घरों के दरवाजों पे उनके नहाने का पानी, लेटरिन का पानी और जो भी गंदगी का पानी रहता है वो सब भरा हुआ है। वहाँ रात दिन इतनी बदबू है कि लोग चाह के भी हवा में नहीं बैठ सकते। उनके बच्चे उस जगह खेलने पे मजबूर हैं और वो औरतें वहाँ रहने को मजबूर हैं। आज जो भी प्रत्याशी उस जगह जाता है वो निराश होकर औरतें उनको गालियाँ बक्के भगाती हैं। फिलहाल मुझे भी यही सब सुनने मिला, लेकिन हम उनको एक महीने से जो भ्रमण कर रहे थे हमने उनको यकीन दिलाया कि नहीं, आपके साथ अगर आप हमको चुनती हैं तो आपके साथ पूरी न्याय का काम होगा और आपकी जो गंदगी है सारी हटाई जाएगी और हम भरपूर प्रयास करेंगे और हम जनता के साथ हैं, समाज के लिए सेवा करना चाहते हैं। हम अपने घर से सक्षम हैं, हमें इस प्रधानी से कोई लेना देना नहीं है। हम जो करेंगे सारा जनता के लिए करेंगे और जनता के लिए ही हमने ये कदम उठाया है। जैसे कि जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं, बिजली पानी सड़कें नाली जो भी है, इन सब पे आपने कभी भी ध्यान दिया है, फोकस किया है? इससे पहले ध्यान नहीं किया, लेकिन एक महीने से हमारा बराबर भ्रमण चल रहा था, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हमने प्रधानी लड़ने की मन में ठानी। जैसे कि महिला सीट है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, तो और आप भी एक महिला हैं और आपने आवेदन किया है प्रधानी के लिए, तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए उनकी जो भी अंदरूनी समस्याएं हैं, बाहरी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करवाएंगे और हम तो उनको अपनी बहनों की तरह बना के अपने साथ आगे चलाएंगे कि आप प्रधान हैं, हम आपके कैंडिडेट नहीं हैं, आप हमारे कैंडिडेट हैं, हम आपके सपोर्टर हैं और आप हमारे साथ काम करिए। ये थी हमारे साथ साजदा बेगम, जो कि प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। इसी तरह चुनावी माहौल से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ बीके।